वेलकम टू नव भारत टाइम्स। मैं मीना भंडारी आज आपको लहसुन का अचार बनाना सिखा रही हूँ। यह अचार बहुत ही स्वादिष्ट, तीखा और मसालेदार होता है। इस अचार को हम गरम गरम रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए मेरी रसोई में, जहाँ हम सीखते हैं कि लहसुन का अचार कैसे बनाते हैं। लहसुन की साइज़ अगर थोड़ी बड़ी है तो हम उसको ऐसे काट देंगे लंबा। अगर लहसुन की साइज छोटी है तो उसे काटने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम इस पैन में राई डालेंगे। राई को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें सौंफ डालेंगे और मेथी डालेंगे। राई अच्छे से फूट गई है और क्रिस्प हो गई है। और मेथी और सौंफ डालने के बाद में बस जैसे ही मेथी और सौंफ हल्की सी सिकने लगे हम गैस को बंद कर देंगे। सरसों के तेल को कढ़ाई में डालते हैं। जैसे ही तेल गर्म होने लगे हम हींग डालते हैं। और फिर कलौंजी डालते हैं। फिर इसी तेल में जैसे ही तेल गर्म हो हम लहसुन डाल देते हैं। गैस की आंच धीमी होनी चाहिए और हम धीरे धीरे लहसुन को इसमें फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही लहसुन हल्का सा सुनहरा होने लगे हम इसमें बनाया हुआ मसाला जो दरदरा है वो इसमें डाल देंगे। मसाला भून जाए हम इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची और नमक डाल देंगे और इसको फिर से अच्छे से हिला लेंगे। गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे और अच्छे से हिला लेंगे। इसके बाद हम एक चम्मच सिरका डालेंगे और हिला लेंगे। और अब हमारा लहसुन का अचार तैयार है।